माता वैष्णो देवी का कटिया ट्रेन सूबेदारगंज स्टेशन से सीधे कटरा ले जाएगी। प्रयागराज से जब से डबल इंजन की सरकार आई है 2017 में मोदी जी योगी जी की, एक नया करवट और सकारात्मक करवट की तरफ बढ़ता जा रहा है। चाहे वो 2019 का कुंभ हो, चाहे वो अन्य चीज़ें हों, यहाँ पे विकास के कार्य हों, और अब आप देख रहे हैं ट्रेनों का भी वंदे भारत आई है। उसके साथ साथ अब यहाँ ही से सीधा कटरा जाएगी ट्रेन, जो कि कहीं और कोई जो तीर्थयात्री होते हैं उनको कहीं उतरना नहीं पड़ेगा, ट्रेन बदलनी नहीं पड़ेगी। सुविधाजनक ट्रेन है जो आज यहाँ से फ्लैग ऑफ हम लोग के सांसद जी, हमारे महापौर और मैं स्वयं यहाँ पे आए और इसको फ्लैग ऑफ भी करा है, जो यहाँ से प्रयागराज सुबेदारगंज जो कि मेरी ही विधानसभा में स्टेशन है, वो अब कटरा सीधे जाएगी। तो एक तो अच्छी सुविधा है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का हम लोग हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रयागवासियों के लिए बहुत ही अच्छा दिन है, इसलिए कि हमेशा सभी लोग माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए जब जाते थे तो यहाँ से दिल्ली जाना पड़ता था, फिर वहाँ से काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से माननीय रेल मंत्री जी ने जो प्रयागवासियों को एक तोहफा दिया है, उनके प्रति हम आभार प्रकट करना चाहेंगे। और निश्चित रूप से इस ट्रेन का केवल प्रयागवासियों को नहीं बल्कि अगल बगल जनपदों को भी इसका अच्छा लाभ होगा और यहाँ से लोग डायरेक्ट कटरा और वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा सकेंगे।